जो मादी अंडों पर बिठाई थी वो अभी जो है ना यहाँ पर दाना और पानी के लिए उठ गई है। अंडे वो पड़े हुए माशाल्लाह से खड़ी तख्ती के अंदर है। ये अंडा दिया हुआ है, ये भी उठा लेते हैं। ये दोबारा अंडों पे आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मीर का तो आप सब खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आ चुका हूँ और इनको जो है ना थरपाल से मैंने इसलिए ढका हुआ है सबको, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और अब जो है ना बारिश का मौसम बन चुका है, तो ऐसा लगा कि कुछ ही देर बाद जो है ना बारिश स्टार्ट होने वाली है। बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। ये आपको थरपाल के ऊपर दिख रहे होंगे बारिश की बूंदें जो आई है, और मौसम जो है ना बनता चला जा रहा है। बारिश जो है ना वो रुक गई है। अब जो है ना थरपाल ऊपर करके और सबको जो है दाना और पानी लगा लेते कि दोबारा से लगा बारिश दोबारा हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए रुकी है तो देखते दोबारा होगी कि नहीं, लेकिन फिलहाल जल्दी जल्दी से जो है ना सबको दाना और पानी कर लेते। अल्हम्दुलिल्लाह सारों को जो है ना दाना और पानी हो गया, और यहाँ पर मैंने पहले ही लगा लिया था इस जगह पर, क्योंकि इस जगह पर मैंने जो है ना शुरू में आते साथ जब बारिश स्टार्ट नहीं थी तो मैंने यहाँ दाना पानी कर दिया था, यहाँ पर रह गया था। तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, फिर अभी मैंने यहाँ पर जो है ना सबको कर दिया। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद जो है ना मैं इनको भी ढक दूँ, क्योंकि बारिश का मौसम जो है दोबारा से बन रहा है तो, और ठंडी हवाएं भी चल रही है, तो इसको जो है ना मैं दोबारा से ढक दूँगा। और जो मादी अंडों पर बिठाई थी वो अभी जो है ना यहाँ पर दाना और पानी के लिए उठ गई है। अंडे वो पड़े हुए हो रहे और दाना पानी शेर पड़ा हुआ है। बारिश जो है ना रुक चुकी है और धूप निकल गई है, तो अब जो है ना सबके थरपाल ऊपर करें। अभी थरपाल जो वो सबके ऊपर कर दिए यहाँ के भी, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है ना कुड्डे अंदर सूखे हुए हैं, तो ये पीले का भी खासा शौक कर रहे हैं। माशाल्लाह से खड़ी तख्ती के अंदर है, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तकरीबन 11 से जो है 12 महीने का पट्टा है जी। और यहाँ पर इस छोटी मादी ने जो है ना दोबारा से अंडा दिया हुआ है, ये भी उठा लेते। ये दोबारा अंडों पे आ गए, इसको इंशाल्लाह जोड़ के लिए भी छोड़ेंगे। अभी मौसम जो है ना काफ़ी ठंडा हो गया, पिछले दिन थोड़ी बहुत जो है ना गर्मी हो रही थी, तो अभी काफ़ी जो है ना मौसम अच्छा हो गया। तो माशाल्लाह से परिंदे भी जो है ना बिल्कुल एक्टिव हो गए। अब जो थरपाल ऊपर के सारे बैठे हुए थे अंदर, क्योंकि थरपाल नीचे होता है तो उनको कुछ जाहिर सी बात उनको आगे कुछ दिखाई देते नहीं, तो जा पीछे आके बैठे होते हैं या फिर इस तरीके से। तो अभी खुला तो सारे जो है एकदम से एक्टिव हो गए।
ये दो बॉयल अंडे ले लिए, तो इसको जो है ना छीलेंगे, फिर इंशाल्लाह चूज़ों को जो है ना खिलाने। तो सबसे पहले इनको छील लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना मैश करेंगे इस कांटे की मदद से, मैश कर देंगे इसको। बिल्कुल इस तरीके से जो है ना मैश कर लिया इसको, बिल्कुल बारीक बारीक छोटा छोटा सा हो गया ताकि चूज़े जो है ना इजीली खा लें। तो अब जो है ना ये चूज़ों को डाल दें, देखो जो है ना इस बर्तन में डाल दिए। तो ये हो भी ये सारे चूज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक्टिव है, और अब जो है ना इनको डाल देते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी जगह शौक से खा रहे हैं। तो एक दफ़ा अंडा जो है ना बोला बॉयल एग जो है ना उसके में एक दफ़ा लाजमी चाहिए चीज़ों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अंडे का जो बहुत प्रोटीन होता है जो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा मदद देता है। और अभी ये माँ जी जो है ना खिला रही है, तो गेट बंद कर, तो बाकी खुद भी जो चूज़े खुद भी जो है ना खा रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जितना खाना होगा ये खा लेंगे। माशाल्लाह से वाली जो अंडों पर बिठाई थी वो सही से जो है ना अंडे इनक्यूबेट कर रही है, इसने थोड़ी बटाइलों को टेढ़ा कर दी, कोई मसला नहीं, लेकिन इनक्यूबेट जो है ना वो सही तरीके से कर रही है। दिक्कत तो आज की आप इसको पसंद आई, पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर रहें तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में आ जाएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।